गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑन यस्टरडे वी हैव सीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देयर काउजेज एंड हाउ टू कैलकुलेट द मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी हैव आल्सो स्टडीड एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वंस अगेन लेट अस रिपीट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच only depends on the number of particle present in the solution is known as colligative property. It is independent of the nature of the solute. ठीक है, it is also known as democratic property, like democracy. It only depends on the particle, therefore colligative property is also known as democratic property. It is of four types: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and last one was osmotic pressure. Among them, osmotic pressure is the best method to calculate molecular mass of the solute because it is operated at room temperature and pressure simultaneously. Its value is larger, which can be easily calculated, whereas other processes are operated at very lower temperature or very high temperature and their value is not appropriate to be calculated with great accuracy. ठीक है, we have also studied that for the colligative property solution should be very very dilute. Solute particle should neither associate nor dissociate with the solvent. ठीक है, और इतना हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि जैसे अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में एसोसिएट कर रहा हो या डिसोसिएट कर रहा हो, दे विल नॉट शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दे विल शो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज दे हैव एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। सपोज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द एक्वस सॉल्यूशन, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोलर मास यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओनली विल गेट either the molecular mass of sodium, that is 23 gram per mole, or that of chlorine 35.5, nah? But which is not equal to exact molecular mass of sodium chloride. ठीक है, तो मिलेगा नहीं। Similarly, the molecular mass of acetic acid gives abnormalities. You will not get exact colligative property as you will predicate. ठीक है, तो जो आप प्रिडिक्शन करेंगे उसके हिसाब से ये नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट अंडरगोज एसोसिएशन। आप एक मोलिकुल से एसिटिक एसिड देख रहे हैं, अब ये डाइमराइज कर जाता है, मोलिकुलर एसोसिएशन हो जाता है, तो मोलिकुलर वेट उसका बढ़ा हुआ होगा। और मोलिकुलर वेट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है आपका। ठीक है, तो एक्चुअली एसोसिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? बिकॉज ये नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करने से क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली व्हेन देयर इज मोलिकुलर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज ना, एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। ठीक है, तो व्हाट आर द काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेज ना, तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास का दो काउज हो गया, मोलिकुलर एसोसिएशन और मोलिकुलर डिसोसिएशन। इन द केस ऑफ मोलिकुलर डिसोसिएशन, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल विल डिक्रीज, व्हाइल दैट ऑफ मोलिकुलर एसोसिएशन नहीं, इन द केस ऑफ मोलिकुलर एसोसिएशन मोलिकुलर वेट इंक्रीजेज। देयरफॉर न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस नोन एज वांट्सहॉफ फैक्टर। क्या कहलाता है? वांट्सहॉफ फैक्टर कहलाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, और इसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिए। डेल टी एफ बराबर के बी इंटू एम होता है, आई से मल्टीप्लाई कर दिए। पाई बराबर सी आर टी होता है, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आई इज नोन एज वांट्स ऑफ फैक्टर ना, और इसको हम लोग वांट्स ऑफ फैक्टर कहते हैं। फिर आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और इन द इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट विल बी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, यही आई का फॉर्मूला हो गया आपका, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो अगर मोलिकुलर डिसोसिएशन होता है आपका,
मोलिकुलर डिसोसिएशन होने से वेट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये डिक्रीज कर जाएगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा आपका आई का वैल्यू, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। सिमिलरली व्हेन देयर इज मोलिकुलर एसोसिएशन, मोलिकुलर एसोसिएशन होने से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बढ़ने से क्या होगा, आई डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही आई डिक्रीज करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगा। इफ आई इज इक्वल टू वन इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था 2020 में, ठीक है, इससे इसके कंसिक्वेंसेस से इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू क्या होगा, मोलिकुलर एसोसिएशन में क्या होगा, मोलिकुलर डिसोसिएशन में आई का वैल्यू क्या होगा। इफ आई इज इक्वल टू वन मतलब कि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब कि वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर वेट 180 आएगा, एबनॉर्मल होगा ही नहीं, 180 नीचे वाला भी रह जाएगा, आई इज इक्वल टू वन। बट फॉर इलेक्ट्रोलाइट सपोज यू आर टेकिंग NaCl, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर डिसोसिएशन होगा। जब मोलिकुलर डिसोसिएशन होगा तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जब घट जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ये आई इज ग्रेटर देन वन फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट केस के लिए। लेकिन अगर मोलिकुलर एसोसिएशन हो रहा है जैसे एसिटिक एसिड, तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। जब ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा तो आई क्या होगा, घट जाएगा, तो आई इज लेस देन वन इन द केस ऑफ मोलिकुलर एसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए, वी लर्नड इन दिस चैप्टर व्हाट आर सॉल्यूशन, वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड रॉल्ट्स लॉ, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे सोलुबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में गैस की सोलुबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट इनवर्स रिलेशन होता है सोलुबिलिटी बढ़ने से, ठीक है, उसकी गैस के लिए ये आपका सोलुबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सोलुबिलिटी घटता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर आप डालिएगा सॉल्वेंट पर उतना ज़्यादा गैसेज डिजॉल्व करेगा। नेचर ऑफ द गैस, ठीक है, नेचर अगर गैसियस गैस जो होते हैं पोलर होंगे तो आसानी से वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा, उनसे इंटरेक्ट कर जाएगा। अगर नॉन पोलर है, ठीक है, तो जल्दी नहीं डिजॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है किस तरह का सॉल्वेंट है, पोलर पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। वहीं टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसको होल्ड करके रखेगा, लेकिन हीट करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ने से जो फोर्सेज लग रहे तो घटेगा, घटने की वजह से गैसेज क्या होंगे, एस्केप आउट कर जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से गैसेज ज्यादा डिजॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेज इन द सेम सॉल्वेंट वेरीज कंसिडरेबली, N2O2 हीलियम डिजॉल्व्स इन वाटर ओनली टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, व्हाइल दैट ऑफ अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सब जो है आपका तीनों गैस, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वाटर में हाईली सोलोबल होते हैं। तो ये नेचर है, नेचर पर डिपेंड करता है ये आपका, ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस गैसेज विथ वाटर, फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NH3 को पानी में डाल दीजिए, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा इंट्रैक्ट करके, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मेशन हो जाता है H2SO3, HCl आपको गैस से लिक्विड में बदल जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाईली सोलोबल हो जाते हैं। मोस्ट सोलोबल गैसेज आर दोज व्हिच केमिकली रिएक्ट विथ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। आइए अब देखिए, अब जैसे ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और इसमें गैस ले ली, इसको प्रेशर आप डालिएगा ना, अप टू सम एक्सटेंट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाइएगा गैसेज मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा घुलेगा। इसमें देखो गैस आपका यहाँ तक था, ठीक है, गैस ज्यादा था, लिक्विड का लिक्विड यहाँ तक कम है, लिक्विड तो आपको फिक्स किए हुए ही है। लेकिन इस पर एक और वेट अगर हम रख दें, जैसे कि इस केस में रख दिए, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ खिसकेगा, गैसेज पानी में ज्यादा आएंगे, ज्यादा डिजॉल्व करेगा। दैट मीन्स कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलबिलिटी ऑफ द गैस एंड इट इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ।
ठीक है, द मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेनरी ला कहता है कि वह गैस सबसे ज्यादा डिजॉल्व करेगा, ठीक है, मतलब उसकी उसका पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा, ठीक है, मास ऑफ द डिजॉल्व गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट solubility of gas is directly proportional to partial pressure of the gaseous molecules, जिसका जितना ज्यादा partial pressure होगा इस पर, जिस पर या जितना ज्यादा pressure आप exert कीजिएगा उसकी solubility उतना ही ज्यादा होगा, यानी m is directly proportional to p, which implies m is equal to kp, where k is Henry constant। ठीक है, magnitude of k depends on nature of the gas, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, यूनिट और यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ना प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। आइए कुछ गैसेज हम लोग ले रहे हैं, सोलुबिलिटी और इक्विलिब्रियम प्रेशर पी ले रहे हैं, तो डिफरेंट गैसेज का सोलुबिलिटी अलग अलग है। अब देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, इसके बाद नाइट्रोजन का है, और सबसे कम सोलुबिलिटी आपका हीलियम का है। वेरिएशन ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ सम गैसेज विथ इक्विलिब्रियम प्रेशर, ना ये आपको दिखलाया गया है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे अब हम लोग इंडिविजुअल गैस ले रहे थे, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज ले लें तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सोलुबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। इच डिजॉल्व्स इन मिक्सचर ऑफ गैसेज, इच डिजॉल्व्स इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स ऑन पार्शियल प्रेशर, सो हेनरी लॉ अप्लाइड टू इच गैसेज इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर गैसेज, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन द सॉल्वेंट ए एंड पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग का निकालना है ये सोलुबिलिटी, तो जिसका ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसकी सोलुबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। इफ सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, ना वेयर पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, व्हिच इंप्लाइज काई ए इज इक्वल टू के डैश पी ए, के जहाँ हो गया सोलुबिलिटी कॉन्स्टेंट या हेनरी कॉन्स्टेंट कहलाता है, विच इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू के न इन टू काई ए, दस वी कैन से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, पेयर के और के इनवर्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसको के मान लिए हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, काई ए बराबर हो जाएगा आपका इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इंटरचेंज करके किए हुए हैं, तो वन बाई के डैश हो जाएगा जिसको हम के मान लिया, यही इसी को हम लोग हेनरी कॉन्स्टेंट कहते हैं, के एच से एक्सप्रेस किया जाता है, एनसीईआरटी में के एच लिया है आपका। जैसे तुम्हारा काई ए बराबर हो गया के डैश पी ए, तो पी ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई के डैश इंटू काई ए, तो वन बाई काई वन बाई के डैश को हम लोग के मान लिए, तो यही लिख दिया पी ए बराबर के इंटू काई ए, वेयर के बराबर वन बाई के डैश हो गया, जिसको हम हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट कह रहे हैं। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ हम लोग देखने जा रहे हैं, द प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर ए सोल्यूशन इन विच द गैस डिजॉल्व्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन, मतलब किसी भी अगर गैसियस मिक्सचर ले लें और किसी सॉल्वेंट में उसको हम लोग डिजोल्व करा रहे हैं, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसका भी उसका सोलुबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इफ सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन, देन मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ना लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ जानना बहुत जरूरी है, तो प्रेशर शुड नॉट बी हाई, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो कि गैसें उसमें डिजॉल्व कर जाए, आयोनाइज कर जाए, मतलब कि एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो लिक्विड फ्रीज कर जाएगा, तो सोलुबिलिटी क्या है उसमें हम लोग मेजर करेंगे। गैस इज नॉट हाईली सोलोबल, अब जैसे NH3 है उसमें डिजॉल्व करा दो तो हाईली सोलोबल होता है, HCl हाईली सोलोबल होता है, उसके लिए फेल कर जाएगा ये। The gas neither react chemically with the solvent nor dissociate or associate in the solvent.
गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट में ना तो उनका एसोसिएशन होना चाहिए, ना डिसोसिएशन होना चाहिए, ना कोई केमिकल इंटरेक्शन होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, तभी हेनरी लॉ फॉलो करेगा। अदरवाइज हेनरी लॉ यहाँ पर क्या होता है, आपको फेल कर जाता है। ठीक है, आइए सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है वो सुन लो। जैसे सी डाइवर होता है तो सी डाइवर गोताखोर को कहा जाता है, डाइव मारना गोता लगाना। तो सी डाइवर्स जो होते हैं गोता जब लगाने लगते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। तो डीप जब सी लेवल में चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, बॉटम पे चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो सिलेंडर में गैस होता है रिस्पायर करते रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा घुल जाता है। बट व्हेन द सी डाइवर विल कम एट द टॉप ऑफ द सी लेवल, सी वाटर के लेवल पर वो जब ऊपर आते हैं, एब्रप्टली द वेट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सी डिक्रीजेज, कंसिक्वेंटली द सोलुबिलिटी ऑफ द गैसेस डिसॉल्व्ड इन ब्लड स्ट्रीम विल डिक्रीज एंड दे विल ट्राई टू एस्केप आउट इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स व्हिच इज वेरी पेनफुल, और बहुत पेनफुल होता है, समटाइम्स इट लीड्स टू डेथ, और सी डाइवर का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर सी डाइवर्स यूजेज हीलियम along with the oxygen in the artificial respiratory cylinder because helium solubility of helium is very less. ठीक है, तो उसकी solubility कम होगा, कम oxygen को bubbles का formation होने देगा, इसीलिए death नहीं होगा, painful कम होगा। ठीक है, यही वजह है कि helium। तो यहाँ से question बनता है, objective वो बता दिया मैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद question बनता है कि high altitude पर लोग जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, तो ऑक्सीजन के कमी की वजह होता है, जिसको एस्फिक्सिएशन कहते हैं, एक डिजीज है ये। ठीक है, और एक एक दो डिजीज और पढ़ाएंगे आगे चल करके, ये ओडिमा। जैसे लेडीज लोग करती क्या है कि तुमको खाना खाते वक्त ऊपर से सॉल्ट लेने की आदि होती है, तो उससे तक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा क्या होता है कि जो हाथ होता है यहाँ पर मसल्स लटक जाता है, तो लटकने का वजह क्या है कि वो ऊपर से नमक खाना, ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, ऊपर के नमक लेने से होगा क्या कि मसल्स में ये जाएगा और वाटर को रिटेन कर देगा, तो वाटर NaCl वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है, वाटर रिटेन कर जाएगा, वाटर यहाँ पर लटक जाएगा पानी मसल्स के साथ, तो पूरा मसल्स लटक जाता है पाँव के पास, खासकर लेडीज में ये होता है। ठीक है, तो ओडिमा ये डिजीज कहलाता है, ऊपर से नमक अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपकी मम्मी या आंटी ले रही हैं तो उन्हें मना कीजिए। ठीक है सर। हाँ बेटा, लेडीज लोग ज्यादा नमक खाती हैं। हाँ, कंपैरेटिवली जेंट्स के अक्सर देखा गया, इसीलिए सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको भी यहाँ पर देखोगी आर्म जो होता है ना, तो वो आर्म मसल्स जो होता है लटक जाता है, तो लटकने का मेन वजह हो गया एक्स्ट्रा नमक, ऊपर से दाल भात पर ऊपर से नमक या सब्जी पर नमक छिड़क करके खा ले, वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ हो? नो सर, बस यही सर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नॉट एज मच एज प्रेशर, लेकिन प्रेशर को उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जितना आपको वो गैस किया था। ठीक है, तो ये हम लोग के पास तीन मेन फैक्टर होंगे सोलुबिलिटी ऑफ गैस का। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज रीच्ड, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। मतलब कि सॉल्यूशन तो दो तरह का पढ़े ही हो, तीन तरह के पढ़ी होगी, नाइन्थ में पढ़ाए थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी फर्दर एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इन व्हिच ना एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज पॉसिबल एट अ गिवन टेम्परेचर इन व्हिच मोर एंड मोर सॉलिड कैन बी एडेड ना इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इन व्हिच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड एट हाईएस्ट टेम्परेचर व्हिच इज अनस्टेबल इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हलवाई लोग मिठाई बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीनी डाल देते हैं ना, एक्स्ट्रा चीनी डाल करके गर्म करके कढ़ाई चीनी घुलाते जाते हैं तब उसमें मिठाई बनाते हैं, तो चीनी का रेट कम है और मिठाई देंगे ये लोग 400 रुपये के जी बेचेंगे तो लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लोग बनाते हैं। आइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली
The maximum amount of solid dissolved in a saturated solution at a given temperature and is defined as the maximum amount of solid that dissolves in 100 gram of the solvent. Solubility can also be expressed as molar solubility, which gives the molar concentration of the substance in the saturated solution. तो ये सब बता चुका हूँ, ठीक है? आइए, actually हम ये देखते क्या है कि solubility of gas जो होता है, temperature बढ़ाने से बढ़ता है। एक फैक्टर आपका ये भी था टेम्परेचर तीसरा, ठीक है? तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व्स लाइक सिमिलिया सिमिलिबस सॉल्वेंट आर यानी लाइक डिजॉल्व्स मतलब कि जो पोलर सॉल्यूट होंगे वो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे और नॉन पोलर में डिजॉल्व कर जाएंगे। उसी तरह से सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर गया, तो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सोलिबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन वही सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, एक इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है जिसके चलते उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगता है। टेम्परेचर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद द टेम्परेचर। जनरली सोलिबिलिटी ऑफ मोलकुलर एंड आयनिक सॉलिड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेरिएशन ऑफ सोलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन। इन जनरल इफ द सॉलिड डिजॉल्व्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दैट इज इंडोथर्मिक the solubility increases with increase in temperature and generally solubility of the solid in liquid is endothermic process therefore on increasing the temperature solubility of solid in liquid increases while in the case of evolution of heat that is exothermic process solubility decreases with temperature na as in the case of solubility of gases in liquid ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल। ऐसा क्यों आया है? ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल की वजह से आया है। अब देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट के केस में देखो, हीट करते जाओ सोलिबिलिटी इसका बढ़ेगा, जाकर के मैक्सिमम हो गया है ना। आफ्टर दैट इट्स सोलिबिलिटी डिक्रीजेज डिक्रीज करता चला गया है। लिथियम सल्फेट का हीट बढ़ते ही आपका ये सोलिबिलिटी डिक्रीज करता चला जाता है, ऐसा क्यों? चलिए कोई बताइए, जितना है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबका सोलिबिलिटी बढ़ा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन सोडियम सल्फेट के केस में पहले सोलिबिलिटी इंक्रीज किया है, बाद में डिक्रीज किया है, ऐसा क्यों? एनीवन? देखो एक्चुअली सोडियम सल्फेट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट विद द सोडियम सल्फेट, ठीक है? एंड व्हेन इट इज हीटेड इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस अप टू सम टेम्परेचर नियरली अबाउट 35.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है? आफ्टर दैट टेम्परेचर इट बिकम्स अनहाइड्रस एंड द प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, देयरफॉर सोलुबिलिटी डिक्रीजेज। पहले इसका सोलुबिलिटी इंक्रीज करता है क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए सोलुबिलिटी बढ़ता है। आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स सोलुबिलिटी डिक्रीजेज बिकॉज इट बिकम्स अनहाइड्रस विच इज इंडोथर्मिक। ये आंसर हो जाएगा इसका। सिमिलरली इन द केस ऑफ लिथियम सल्फेट ऑन हीटिंग द टेम्परेचर इट बिकम्स अनहाइड्रस एंड द प्रोसेस इज इंडोथर्मिक देयरफॉर इट्स सोलुबिलिटी डिक्रीजेज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछता है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर चर्चा कर दिया। तो इस जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अटेंडेंस लेने दीजिए तब आप जाइएगा। सर सॉल्यूशन खत्म हो गया है। हाँ बेटा, कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि छूट गया है तो बोलिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए जिनका अटेंडेंस नहीं बना है, ठीक है, वो बनवा लीजिए। अमृता सिन्हा, अंकिता कुमारी, अनु सिन्हा, अन्वेषा, अविनाश, रिया, रूपम, संध्या, संजीव, सौम्या पांडे, शंभु पांडे। लेकिन कुछ बॉयज का छूट रहा है। बॉयज में किसका छूट रहा है? पिंकी, रिया, रूपम
संध्या, संजीवनी झा, सौम्य पांडे, ओ बच्चे बॉयज भाग गए इसीलिए नहीं बनाओगे। सत्यम तो था ना आज, कि राकेश था? रिया हो जी? यस सर। ये राकेश था कि सत्यम था? सर नहीं पता, हम थोड़ा लेट आए थे, नहीं देखे थे। राकेश नहीं था। कौन था बेटा, बॉयज था एक या दो बॉयज था? सत्य प्रकाश। ओ सत्य प्रकाश था, ठीक है बेटा, उसका बना देंगे, बना ही लेते हैं ना, तो फिर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश बना दिए। और कोई बच्चा का तो नहीं छूटा है?